हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। ये है मेरा एक और ब्लॉग इंडिया से। आज सैटरडे है, आफ्टरनून टाइम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है तो वेदर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज भैया की छुट्टी होती है और भाभी को अपने रूम के लिए एक अलमीरा लेनी थी तो हम लोग लोकल मार्केट निकले हैं। ये तिलक नगर की मार्केट है, फर्नीचर मार्केट इसे कहा जाता है, काफ़ी फेमस मार्केट है और यहाँ पे बहुत सारी फर्नीचर स्टोर्स हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, एक बिग स्माइल किड्स फर्नीचर स्टोर है जहाँ पे बच्चों के लिए फर्नीचर मिलता है, तो हम लोग उसी स्टोर पे जाके देखेंगे क्योंकि भाभी को अपने रूम में अपने बेटे के लिए ही अलमीरा चाहिए। और ये देखिए, ये है स्टोर, यहाँ पे बच्चों से रिलेटेड सारा फर्नीचर था। काफ़ी सुंदर सुंदर अलमीराज थी और बहुत टेम्पटिंग भी लग रही थी, बट प्राइस के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी वैसी नहीं लग रही थी कि इतना ज़्यादा प्राइस दिया जाए, लेकिन देखने में ये बहुत सुंदर लग रही थी। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर किया और हमारे रेट के अकॉर्डिंग हमें ये पसंद नहीं आई तो हमने यहाँ पे और भी स्टोर्स एक्सप्लोर किए हमें, बट कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तिलक नगर में। तो अभी हम लोग कीर्ति नगर जा रहे हैं, कीर्ति नगर में भी काफ़ी अच्छे फर्नीचर स्टोर्स हैं। वहाँ पे तो बड़े बड़े शोरूम्स बने हुए हैं जैसे हमारे यहाँ आइकिया वगैरह होता है, तो हमने सोचा चलो कीर्ति नगर जाते हैं। और आज भैया भाभी अकेले ही आने वाले थे बट मैंने कहा कि चलो मैं भी चलती हूँ क्योंकि मुझे लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी निकले हैं कीर्ति नगर के लिए और देखिए ये पहला स्टोर है जहाँ पे हम जाने वाले हैं। अगेन ये स्टोर बहुत अच्छा था, बिल्कुल आइकिया जैसे यहाँ पे भी लेआउट था फर्नीचर का, बट अगेन बहुत एक्सपेंसिव था। हमें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव अलमीरा नहीं चाहिए थी, सिंपल सी जो बच्चों की अलमीरा होती है उस टाइप की हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी देखी बट हमारे बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी एक्सपेंसिव था तो हमने यहाँ से भी नहीं लिया। और फाइनली फिर हम गए पेपर फ्राई, जो अगेन एक आइकिया जैसा ही स्टोर है, और वहाँ पे हमने काफ़ी सारी ऑनलाइन डिज़ाइनिंग देखी अलमीराज की और उसमें से फिर हमें एक बहुत अच्छी लगी और हमने वो फाइनलाइज़ कर दी। वो हमारे पास 15 डेज में डिलीवर हो जाएगी। तो देखिए ये ब्लैक कलर की अलमीरा हमने खरीदी है भाभी के रूम के लिए। बोलो गोविंद उठो, आदू बोलो उठो उठो, पुच्ची कर दो भैया के, पुच्ची कर दो भैया के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और जैसा कि आप मेरे ब्लॉग्स के थ्रू जानते ही हो, मैं तो खूब मस्ती कर रही हूँ, खूब इंजॉय कर रही हूँ अपने घर पर। और आए दिन कोई ना कोई आ रहा है मुझसे मिलने, तो जो भी मुझसे मिलता है मैं आप लोगों के साथ भी उसको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो आज मैं ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी सारे कजन्स आने वाले हैं मुझसे मिलने, तो सभी से आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगी और दिखाऊँगी कि क्या क्या स्पेशल खाना बनता है जब हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, गेस्ट आते हैं। तो लास्ट ब्लॉग में मेरी फ्रेंड आई थी तब भी मैंने खाना शेयर किया था, और अभी मैं आपको किचन में लेके जाती हूँ क्योंकि मम्मी और भाभी सुबह से लगी हुई थी किचन में कुछ कुछ कुक करने के लिए, तो मैं दिखाती हूँ कि आज क्या बन रहा है। तो ये देखिए मैंने अचारी पनीर का मैरिनेट बना के रखा है, आज मैं अपने कजन्स के लिए ये बनाने वाली हूँ। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ तो इसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद इसमें बना है जीरा राइस, अभी बन रहा है, साथ में बने हैं छोले, और ये मम्मी कसूरी मेथी के पराठे आज बनाएगी तो उसी का ही मम्मी अभी डो बना रही हैं। और लंच का टाइम है, पापा भी आ गए हैं लंच करने, और जैसे ही पापा घर आते हैं ये दोनों बच्चे पापा को घेर लेते हैं और पापा के साथ खूब इंजॉय करते हैं, खूब खेलते हैं। पापा भी इनको बहुत पैम्पर करते हैं और इन्हें बिगाड़ने का काम पापा का ही है हमारे घर में। तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपनी सब्जी बना देती हूँ, अचारी पनीर। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है अगर मैरिनेट आपने बना के रखा है 3-4 घंटे पहले, तो इस सब्ज़ी को बनाने में जस्ट 10 मिनट्स लगते हैं। और इंडिया की गैस तो काफ़ी फास्ट होती है, कुकिंग इस पर बहुत जल्दी हो जाती है, तो यहाँ पे तो 7-8 मिनट ही लगेंगे इसे कुक करने में। तो देखिए सब मसाला वगैरह मैंने मिला के रखा था मैरिनेट का, और बस जब सर्व करनी होती है उससे 10-15 मिनट पहले आप इसे इस तरीके से एक पैन में थोड़ा सा ग्रीस करके डाल दें और ये अपने आप कुक होती रहेगी। और जब ये कुक होगी ना तो इसका हल्दी का कलर जब थोड़ा सा डार्क हो जाता है तो ये कलर बहुत अच्छा देती है सब्ज़ी। तो देखिए ये मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, मैं इसे थोड़ा सा गीला गीला ही रखूँगी जिसे खाने में अच्छी लगे ये। और मम्मी और भाभी भी खाने की तैयारी कर रही हैं, सर्व करने की तैयारी कर रही हैं, और जो मेरे कज़न्स आने वाले थे वो भी आ गए हैं, तो बस अब हम सभी को एक साथ खाना लगा देंगे।
और ये सब्ज़ी मैंने एक हांडी में सर्व करी है। आज मम्मी ने बहुत ही अच्छे कसूरी मेथी के पराठों की तैयारी कर रखी है, तो अभी देखिएगा मेरी भाभी कितने करारे करारे पराठे बनाएगी। मेरे भाभी बहुत अच्छे पराठे बनाती है, छोटे छोटे पराठे बनाती है। मैं तो मेरे हाथ से तो बहुत बड़े बड़े पराठे बनते हैं, मेरी भाभी का 1.5 पराठा, मेरा 1 पराठा। मुझे छोटे छोटे पराठे खाने का बहुत शौक है, बट मैं ऐसे पराठे बिल्कुल भी नहीं बना पाती जैसे मेरी मम्मी और भाभी बनाती हैं। तो आजकल तो मेरी खूब मस्ती चल रही है, भाभी मम्मी के हाथ का अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। तो देखिए ये मेरे कजिन्स भी आ गए हैं, तो सबको खाना एक साथ हम लोगों ने सर्व कर दिया है। तो इसी तरीके से मम्मी, मैं, भाभी मिलके काम करते हैं और हमारी दिन भर चिटचैट चलती रहती है, कुछ ना कुछ हम गपशप करते ही रहते हैं। ग्रीन पार्क। बढ़िया। हेलो गाइस। राधे राधे। अभी भाभी और मैं और गोविंद आए हैं मॉल में, हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी तो सोचा चलो सुबह सुबह चले जाते हैं। मंडे है तो थोड़ी सी शांति रहती है मॉल में, भीड़ कम होती है, तो क्विकली हम लोग शॉपिंग करेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि हमें क्या क्या खरीदा है। ये पैसिफिक मॉल है टैगोर गार्डन में, मेरे घर के बहुत ही पास पड़ता है और मेरी भैया भाभी यहीं पर आते हैं अक्सर शॉपिंग करने। एक्चुअली मेरे भैया का बर्थडे आने वाला है, उसका बर्थडे होता है 18 सितंबर को, तो भाभी को कुछ गिफ्ट लेना था इसीलिए हम लोग मॉर्निंग में आए हैं भैया के लिए कुछ कपड़े लेने। और एक शैतान बच्चे को हम अपने साथ लाते हैं और एक को घर छोड़ाते हैं, जिससे कि मम्मी को वो लोग दोनों मिलके परेशान ना करें, और एक बच्चे को तो मम्मी आसानी से हैंडल कर लेती है। तो आज मेरा भतीजा जो है वो घर पर रह गया क्योंकि वो सो रहा था, तो हम उसको छोड़ा है मम्मी के पास और गोविंद को साथ ले आए। और बस भाभी ने कर ली है शॉपिंग, अभी हम बिलिंग वगैरह कराएंगे। हमारी लाइफस्टाइल से शॉपिंग हो गई है और भाभी अब हम कहाँ जाने वाले हैं? नाइका। भाभी और मुझे मेकअप बहुत पसंद है, तो यहाँ पे ना न्यू नाइका स्टोर खुला है, तो अभी हम वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बस अभी हम लोग मॉल से वापस आए थे और मैंने सोचा आप लोगों को सामान भी दिखा देती हूँ क्या क्या हमने बाय किया। एक्चुअली सब कुछ ज़्यादातर भैया के लिए हमें कपड़े खरीदने थे तो वही बाय किए हैं। एक ये शर्ट ली है हमने, उसके बाद एक ये मिलांज का कुर्ता लिया है। ये कुर्ता मुझे बहुत सुंदर लगा, मैंने भाभी को बोला ये तो ज़रूर ले लो। एक्चुअली मेरे को ना ये अंशुल के लिए भी लेना था, बट इसमें कोई और कलर अवेलेबल नहीं था, ऑरेंज कलर उनके पास ऑलरेडी है इसीलिए मैंने ये नहीं लिया उनके लिए, बट ये कलर भैया पे तो बहुत सूट करेगा। तो एक भाभी ने ये लिया कुर्ता, और एक शर्ट और ली है भैया के लिए, ये वाली। और उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हो हम गए थे नाइका, तो नाइका से हम लोगों ने आज शॉपिंग की है अच्छे से। हम लोग ये 2 स्मैशबॉक्स की लिपस्टिक्स लेकर आए हैं, ये वाली है सो जेली और ये है वीनो नॉयर। ये वाला शेड मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा पर्सनली भी, मैं आपको हल्का सा स्वॉच करके दिखाती हूँ इसका। ये देखिए ये है सो जेली और ये है वीनो नॉयर, ये देखिए ये वाला शेड मेरे ऊपर भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट भाभी पे दोनों ही अच्छे लग रहे थे तो भाभी ने दोनों ये वाले बाय किए हैं। तो ये देखिए भाभी और मैंने दोनों ने ही सेम शेड लगाया है वीनो नॉयर। बताइएगा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। पता है शादी के बाद एक भाभी या एक बहन ज़रूर होनी चाहिए आपकी, शॉपिंग कराने के लिए बहुत हेल्प हो जाती है। अब मैं तो जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ भाभी के साथ ही जाती हूँ। हाय बोलो हाय। हमारे घर के ये छोटे छोटे व्लॉगर्स भी आप देख लीजिए, खूब मस्ती कर रहे हैं ये लोग। हाय। वो मेरी सेल्फी स्टिक और कैमरा लेके घूमता रहता है कि बुआ मुझे भी व्लॉग करना है, मतलब उसे भी व्लॉग करना है, बू ही बोलता है वो मुझे। हाय बोल दो आदू। हाय। और वो भी तुम भी हाय बोल दो। वो देखो पिकाबू खेल रहा है चादर में घुस घुस के अपने भाई के साथ। तो हाँ मैं ये कह रही थी शादी के बाद आपकी एक बहन या फिर आपकी एक भाभी तुरंत आ जानी चाहिए, जिससे कि आपको शॉपिंग करने में बहुत हेल्प हो जाती है, डिजाइनिंग आपको पता चल जाती है। अब तो मुझे भी कंपनी मिल जाती है। अब जैसे मुझे इंडियन फैशन का बहुत ज़्यादा अब आइडिया नहीं है कि किस तरीके की स्लीव्स चल रही है,
किस तरीके का क्या चल रहा है। तो भाभी के पास पूरा एक कलेक्शन है फोन में, तो मैं हमेशा भाभी के आइडियाज लेकर जाती हूँ। वैसे तो भाभी को साथ लेकर जाती हूँ, बट कभी कभार भाभी की तबीयत अगर नहीं ठीक है तो मम्मी के साथ चली जाती हूँ और भाभी के आइडियाज से मैं फिर अपने कपड़े बनवा रही हूँ। और जो सूट मैंने बनवाए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से भाभी ने उनमें डिजाइनिंग करवाई है। काफी अच्छे डिजाइन बनवाए हैं, देखते हैं अब कैसे बन के आते हैं। तो ये मेरा लिटिल ब्लॉगर है, छोटा सा, बहुत शैतान है ये। Hi. I love you. Love you बोल दो, love you. तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं। होप करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज अभी बहुत ही अमेजिंग इंडिया ब्लॉग सीरीज़ चल रही है और जब मैं US चली जाऊँगी तो आप लोगों के साथ शिकागो ब्लॉग शेयर करूँगी। तो फ्यूचर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा मेरे डेली अपडेट्स के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर से मिलूंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।